नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट ये पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। ये जो टॉपिक है ये एसए का टॉपिक है, ये एक्चुअली सीएचएसएल 2019 में आया था। इसको किस तरीके से लिखना है, सेम वही वर्डिंग है ये जो कि एक कैंडिडेट द्वारा लिखी गई थी। एंड ही हैज़ गोट 82 मार्क्स इन द सेम वर्डिंग डेट हैज़ रिटन बाय हिम। सो हम देख लेते हैं इसको। यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 361 देवनगर गली नंबर 2 पोर देवनगर दिल्ली, ये पिन कोड है, एक सक्रिय जो है वो कार्य करता है और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह कोशी का कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसटीएम या फिर कलेक्टर बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 10 को पत्र लिखें जिसमें अपने समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह आप करें। सो एज्यूमिंग डैट यू आर सुरेश सीमा, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 351 देवनगर गली नंबर 2 पीओ देवनगर न्यू दिल्ली, दिस इज पिन कोड एंड एक्टिविस्ट वर्किंग among your community of tribal people in a remote part of country, write a letter to the concerned authority at district level, SDM collector Bastar Chhattisgarh, this pin code, asking for the redressal of various problems that is faced by the people. So word limit 150 words की आपको लिखनी है। So सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप house number 351, सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, डेट यू आर सुरेश, सो यू हैव रिटन योर नेम ओवर हेयर। उसके बाद आपको एक ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पे एक एम्प्टी ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक छोड़ना है, फिर यहाँ पे आपका हाउस नंबर 351 देवनगर गली नंबर 2, ठीक है, ये पूरा आपको एड्रेस जो है वो लिख देना है जो भी आपको दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक और गैप छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको गैप छोड़ना है, एक ये गैप हो गया एंड एक ये गैप हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डेट लिख देनी है, वही जो करंट है, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा जिसको लिख रहे हैं, फिर दी एसडीएम आपको लिखना है और फिर यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो हो गया आपका एड्रेस, मतलब सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस आपने लिख दिया, नाम लिख दिया स्पेस, अपना एड्रेस आपने लिख दिया स्पेस डेट स्पेस दी एसटीएम आपने लिख दिया एंड देन अगेन आपके पास स्पेस आ गया। नाउ यहाँ पे जो आप लिखोगे ये जो है ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस, क्योंकि जो एसडीएम है वो है आपका बस्तर का छत्तीसगढ़। इतना लिखने के बाद नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पे अगेन आपको देना है स्पेस, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है, देन यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। जो सब्जेक्ट आप लिखोगे वो सेम आप यहाँ से भी लिख सकते हो, देखिए रिड्रेसल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय योर पीपल, तो यहाँ पे वेरियस को हटा सकते हो आप, रिड्रेसल में आर जो है उसको कैपिटल करो, रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय योर पीपल, नहीं फेस्ड बाय tribal people, because this you are writing the letter about the tribal community, so redressal of problems faced by tribal people, इतना sufficient है, इसके भी आपको काफ़ी marks जो हैं वो मिल जाएंगे इतनी चीज़ के। फिर आगे आपको लिखना है respected sir, और जो line आप start करोगे वो यहाँ से कर देना तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जहाँ मर्जी से शुरू करो लेकिन letter अच्छा लगेगा। I am Suresh residing in देवनगर न्यू दिल्ली, ये बिल्कुल सेम लाइन आप किसी भी लेटर के लिए यूज़ कर सकते हो। आई वर्क एज एन एक्टिविस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन रिमोट एरियाज़, बिल्कुल वही सेम लाइन है, इसमें कुछ भी आपको अपने तरीके से ऐड नहीं करना है। उसके बाद ये लाइन भी बिल्कुल कॉमन सी लाइन है, कौन सी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर कम्युनिटी इन अ डे टू डे लाइफ, बिल्कुल रिपीटेड, अभी तक जितना भी है ये सारा रिपीट चल रहा है बिल्कुल, उसमें सिर्फ दो तीन लाइन आपको लेटर में ऐड करनी होती हैं, बाकी पूरा का पूरा लेटर आपको डिट्टो उसमें दिया होता है जो भी आपको स्टेटमेंट दी होती है।
आगे देखिए, वी लिव इन रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री, हम जो हैं वो रिमोट एरिया में रहते हैं, वेयर देर इज़ ओनली वन और टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। मतलब हम एक रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ परिवहन के एक या दो साधन हैं। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, बिकॉज ऑफ दिस वी फील समवट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द जनरल फैसिलिटीज़ फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो भी जनरल फैसिलिटीज़ होती हैं, हम उनसे जो है वो अलग फील करते हैं, उनके लिए अलग थलग महसूस करते हैं। द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज़ नॉट इवन गुड इन आवर एरिया, देर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये छोटी मोटी चीज़ें, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सच एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स आर आल्सो वेरी फार। वी रियली हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्ड वी रियली हैव टू फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप्स फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, ये इतनी जो लाइन है, बस आपको तीन से चार लाइनें अपने तरीके से लिख देनी है कि यहाँ पे पानी की कमी है, देर इज़ स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध नहीं है, और हम जो है वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट में जो लाइन है ये भी रिपीटेड है, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड रिजोल्व आवर प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो वैसे काइंडली लिख दिया तो वो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थैंकिंग यू आप लिख ही दोगे, उसके बाद योर सिंसियरली एंड देन अपना नाम सुरेश, इनके पीछे कोमा आप जो है वो लगा दीजिए। ज़्यादा आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ लिखना है। हिंदी में भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए, मैं सुरेश देवनगर नई दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की बेहतरी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करता हूँ। मैं यह पत्र अपने दैनिक जीवन में हमारे समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। हम देश के सुदूर इलाकों में रहते हैं जहाँ परिवहन के एक या दो साधन उपलब्ध हैं, इस वजह से हम प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधाओं से कुछ हद तक अलग थलग महसूस करते हैं। हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति भी अच्छी नहीं है, पीने के पानी की भी किल्लत है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे भी बहुत दूर हैं। हमें अपने अस्तित्व के लिए वास्तव में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः आपसे अनुरोध है कृपया इस मामले को संज्ञान में लेकर के हमारी समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। ये काम एक SDM बिल्कुल कर सकता है, उसके अंडर ये होती हैं। SDM का काम बिल्कुल यही इस तरीके का होता है, बिजली की आपूर्ति भी करवा सकता है, परिवहन के साधन भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, ये सब करवा सकता है। धन्यवाद, या भवदिया भी लिख सकते हो आप, भवदिया, ठीक है, सादर सुरेश आपका नाम हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको जो लेटर है वो लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो आप जो हैं वो बने रहिए चैनल के साथ, दोनों चीज़ों के लिए काम आएगा, CGL और CHSL। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। आई विल डायरेक्टली मेल यू द PDF। धन्यवाद।